पांडे ने अपने पति पर लगाए गंभीर आरोप, हाल में ही हुई थी शादी। अभिनेत्री पूनम पांडे ने पति सैम बॉम्बे साथ कुछ दिन पहले ही रचाई थी शादी। पूनम ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। पति सैम बॉम्बे को गोवा में गिरफ्तार कर लिया गया है। पूनम ने अपने पति के खिलाफ मारपीट और डराने धमकाने की शिकायत दर्ज कराई थी। हाल ही में उन्होंने अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा किया था। पुलिस ने बताया कि घटना दक्षिण गोवा के कैना कोना गांव में हुई थी, जहां पांडे एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। कैना कोना पुलिस थाने के निरीक्षक तुकाराम चौहान ने कहा, पांडे ने सोमवार देर रात शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति सैम बॉम्बे ने उनके साथ मारपीट की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। तारक मेहता शो के 3000 एपिसोड कंप्लीट होने वाले हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब टीवी पर आने वाला ये शो अब अपने 3000 एपिसोड पूरे करने जा रहा है। शो की शुरुआत 28 जुलाई 2008 को हुई थी। शो में कई उतार चढ़ाव आए, शो का पेस बदला, लेकिन एक चीज जो नहीं बदला वो दर्शकों का मनोरंजन। आज भी शो इसी खासियत के कारण टीआरपी में बना हुआ है। आज भी इस शो को फैंस काफी पसंद करते हैं। शो के निर्माता आसिफ मोदी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नाम से मैगजीन में जो एपिसोड छपते थे उस पर कहानी बनाई और उसी पर शो को बनाया। शो की खासियत यह है कि शो के पास मजबूत कहानी का आधार है। शो इतना लंबा सफर तय करेगा ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की। योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया है कि प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की 1000 एकड़ जमीन पर बनने वाली इस फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण की सारी आधुनिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधूरा कुछ भी नहीं है। उनकी सरकार दुनिया को पूर्ण फिल्म सिटी के उपहार देगी। जिस तरह मनोज तिवारी, रवि किशन, कंगना रणावत जैसे सितारों ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। मनोज तिवारी ने बताया कि इस फिल्म सिटी के निर्माण से मुंबई पर दबाव कम होगा और यूपी में भी विश्व स्तरीय सिनेमा को बनाने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्रीय सिनेमा को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इससे पहले भी देश भर में कई फिल्म सिटी हैं जहां कई तरह के सिनेमा और सीरियल्स का निर्माण होता है। शहनाज के बाद बाल कलाकार सलोनी डैनी का हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट रह चुकी शहनाज गिल के बाद बाल कलाकार सलोनी डैनी उर्फ गांगुबाई का हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल मीडिया पर की फोटो शेयर। सलोनी ने अपने लुक में ड्रेस्टिक चेंज की तस्वीरें शेयर करके सभी को चौंका दिया है। कॉमेडी सर्कस महासंग्राम में गंगूबाई का किरदार निभाकर मशहूर हुई सलोनी का वजन पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गया था, जिसके बाद उन्होंने अब लुक में ये करिश्माई बदलाव किया है। गंगूबाई के लुक में आए इस जबरदस्त बदलाव को देखकर उनके फैंस भी हैरान हैं और कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफें कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि तुम्हारे लुक में आए इस बदलाव को देखकर यकीन नहीं हो रहा है। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।